नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दरोगा आशीष सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी दिनेश मुनि पुलिस इनकाउंटर में हुआ ढेर, 2 वर्षों से एसटीएफ को थी तलाश। नवगछिया एसपी निधि रानी ने कहा सब इंस्पेक्टर की हत्या का बदला हुआ पूरा, जवाबी कार्रवाई में मारा गया कुख्यात। दहेज में बाइक नहीं मिलने से नाराज पति ने पत्नी की चाकू गोद कर की हत्या, आरोपी पति फरार। कड़ी सुरक्षा के बीच खुटाह पंचायत में मुखिया का चुनाव हुआ संपन्न, शिवरंजन कुमार बने नए मुखिया। और बांका में बिजली आपूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। अब समाचार विस्तार से। खगड़िया के पसराहा में पदस्थापित थानेदार आशीष सिंह हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त आरोपी दिनेश मुनि गुरुवार की सुबह पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। इनकाउंटर के बाद मौके से 2 कार्बाइन, 1 दोनाली बंदूक के साथ पुलिस ने 14 बुलेट और कार्बाइन की गोली बरामद की है। इनकाउंटर से पूर्व गुरुवार की रात दिनेश मुनि अपने साथियों के साथ दियारा में अय्याशी कर रहा था। दरअसल एसटीएफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दिनेश मुनि अपने साथियों के साथ अपराध की बड़ी योजना बना रहा है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने नारायणपुर के दियारा इलाकों में धावा बोल दिया। वहीं पुलिस को आता देख दिनेश मुनि ने अपने गुर्गों के साथ पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई, जिसमें दिनेश मुनि मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि उसके गुर्गे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ग्रामीणों के अनुसार दिनेश मुनि गिरोह का नवगछिया नारायणपुर समेत खगड़िया के दियारा इलाकों में खौफ था। हम आपको बता दें कि 12 अक्टूबर 2018 को दियारा इलाके में अपराधियों के जामवाड़े की सूचना पर पसराहा के थानेदार आशीष सिंह पुलिस बलों के साथ मुठभेड़ करते हुए नारायणपुर के दुधैला दियारा पहुंच गए थे, जहां अपराधी श्रवण यादव को मार गिराने के बाद दिनेश मुनि की गोली का शिकार होकर शहीद हो गए थे। नवगछिया एसपी निधि रानी ने बताया कि एसटीएफ की टीम दिनेश की गिरफ्तारी के लिए पिछले 2 वर्षों से अभियान चला रही थी, जिसमें आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नवगछिया एसपी निधि रानी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुख्यात इनामी अपराधी दिनेश मुनि के मौत की पुष्टि की है। एसपी ने कहा कि सब इंस्पेक्टर आशीष सिंह हत्याकांड के बाद से ही अपराधी दिनेश मुनि फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए नवगछिया पुलिस एवं एसटीएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। एसपी ने कहा कि 1 माह पूर्व दिनेश मुनि के दियारा इलाकों में आपराधिक गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ से संपर्क कर संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें गुरुवार की मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ की टीम ने कुख्यात अपराधी को मार गिराया। तो उसी में रात में जो है एसटीएफ टीम को एक कंक्रीट सूचना मिली कि दिनेश मुनि, जो कि बिहपुर 402/18 जो केस दर्ज हुआ था उस पुलिस मुठभेड़ में, उसका मुख्य आरोपी है और इकलौता आरोपी है जो बचा हुआ है, बाकी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, कि वो नारायणपुर जो भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है उसके दियारा में किसी बासा पर है। तो उसकी सूचना का सत्यापन करते हुए, हम लोगों को सूचना देते हुए जिला बल की जो टीम है वो भी यहाँ से निकली। उसी क्रम में जब वो लोग वहाँ पर पहुंचे तो उनके द्वारा जो एसटीएफ की टीम थी उस पर हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई एसटीएफ का जो बल था उसके द्वारा भी की गई। उसमें दिनेश मुनि जो है कल रात, जो मतलब 3 और 4 की जो रात्रि आप कह सकते हैं, उसमें दिनेश मुनि जो है पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। दिनेश मुनि मुख्य रूप से खगड़िया का अपराधी है। उसके ऊपर लगभग 10 केस हैं, जिसमें 8 केस खगड़िया जिला के हैं, पसराहा और परबत्ता जो थाना है खगड़िया के उसके, 1 चौसा थाना जो मधेपुरा जिला अंतर्गत पड़ता है उसका केस है, और 1 नौगछिया जो बिहपुर जिला में पुलिस मुठभेड़ से संबंधित केस हुआ था उसमें वो अपराधी है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक सिरफिरे पति ने अपनी ही पत्नी की निर्ममता पूर्वक चाकू गोद कर हत्या कर दी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना धोरैया थाना क्षेत्र के चंडादी पंचायत के भोड़ा बजाड़ गांव की है। जानकारी के अनुसार रजौन थाना क्षेत्र के बरैनी निवासी गुरुदेव दास की 30 वर्षीय पुत्री ललिता देवी की शादी भोड़ा बजाड़ निवासी कैलाश दास के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए ललिता को ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के पिता गुरुदेव दास ने बताया कि वह दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था और कुछ दिन पूर्व ही वह अपने गांव आया था। गुरुदेव दास ने कहा कि दामाद बाइक नहीं मिलने के कारण अक्सर बेटी के साथ मारपीट करता था। बुधवार को दामाद ने चाकू गोद कर बेटी की हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही धोरैया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
भागलपुर के खुटाहा पंचायत में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यकारी मुखिया पद का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें वोटों की गिनती के बाद शिवरंजन ने मुखिया के पद पर कब्जा जमा लिया। दरअसल पिछले 6 महीने से खुटाहा पंचायत के मुखिया का पद रिक्त था, जिसके कारण पंचायत का विकास कार्य बाधित था। गुरुवार को पर्यवेक्षी पदाधिकारी शह गोराडी BDO प्रभात केसरी की उपस्थिति में चुनाव कार्य शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस दौरान शिवरंजन कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूनम देवी को मात्र 3 मत से हरा दिया। हम आपको बता दें कि पंचायत के मुखिया वीरेंद्र यादव 6 माह से जेल में बंद हैं, जबकि उप मुखिया दयावती देवी की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व हो चुकी है। दोनों पद रिक्त रहने से पंचायत का विकास बाधित था। वहीं जीत के बाद मुखिया शिवरंजन कुमार ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पंचायत का विकास किया जाएगा। वार्ड जो 7 हैं, 4 वार्ड हैं, ये काम नहीं हुआ है, बहुत काम बाधित है, वो लेके चलेंगे पूरा वार्ड को लेके। 9 वार्ड है मेरे यहाँ, 9 के साथ जाके मिलेंगे, साथ में निभाएंगे। बांका जिला के फुल्ली डूमर घुटारिया गांव के लोगों ने 6 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप रहने के कारण गुरुवार को विद्युत शक्ति उपकेंद्र के समक्ष प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने कहा कि आवेदन देने के बावजूद बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हुई है। बिजली विभाग के उदासीन रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने जल्द से जल्द गाँव में बिजली बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ता शिवशंकर यादव ने बताया कि 26 मई की आधी रात आए आंधी तूफान के कारण बिजली के कई खंभे गिर गए हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहाल नहीं हो पा रही है, और विभाग को इसकी जानकारी देने के बाद भी गिरे हुए खंभों की कोई सुध नहीं ले रहा है, जिस कारण बीते 1 सप्ताह से गांव में बिजली की आपूर्ति ठप है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली की पोल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण नए पोल लगाने होंगे। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। वहीं विभाग के JE वरुण कुमार ने बताया कि नए पोल की व्यवस्था की जा चुकी है और अतिशीघ्र बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों में ओम रंजन, मिथुन कुमार, मदन कुमार सहित कई उपभोक्ता शामिल थे। हम लोगों को जब से बुठेरा गांव में आंधी आए हैं, उसमें से बहुत क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें से कि पोल भी गिर गए, और पोल गिरने के कारण आवेदन देने से 2 से 3 दिन हो गए और अभी तक कुछ सुनवाई नहीं मिल रही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी CT स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द,
थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने को लेकर भागलपुर में भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मोदी 2.0 सरकार की उपलब्धियों पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राधामोहन शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिंह एवं जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार चुनौतियों से भागने वाली नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करने वाली है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 एवं 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीति को हटाया है, जबकि इसके अलावे राम मंदिर निर्माण विवाद और कई आपदा की स्थितियों में डटकर लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी की दूरदर्शिता के कारण भारत की शाख दुनिया भर में बढ़ी और भारत मजबूती से अपनी उपस्थिति को दर्शाने में कामयाब हुआ है। गर्मी के बढ़ते ही भागलपुर प्रधान डाकघर में एलईडी और सीलिंग फैन की बिक्री शुरू हो गई है। 4 सेट एलईडी पंखे 4440 रुपए में उपलब्ध है। वहीं पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने बताया कि प्रधान डाकघर में पंखा एलईडी के साथ लोग गंगोत्री का जल भी खरीद सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में 250 ml का गंगा जल मात्र 35 रुपए में उपलब्ध है। पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने कहा कि जल्द ही प्रधान डाकघर में एसी की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस शॉप में कार्य कर रहे कर्मी ने बताया कि एलईडी और पंखा लेने के लिए आधार कार्ड की कॉपी लाना आवश्यक है। वहीं प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने कहा कि पंखे और बल्ब की खरीदारी पर 1 साल की वारंटी भी दी जाती है। प्रधान डाकघर भागलपुर से हम लोग एलईडी पंखा, जिसका कीमत 11 से 10 रुपये एक पंखे का है, एक व्यक्ति एक आधार कार्ड पर 2 पंखे ले सकते हैं, जिसका बाज़ार में कीमत संभवतः 3000 के आसपास है। दूसरा, हम अभी इस लॉकडाउन के चलते सफल नहीं हो पाए, नहीं तो हम लोगों को एसी बेचने के लिए आ रहा था कि हम लोग एलईडी एसी बेचेंगे, जिसका संभवतः कीमत होता है 21,000 के आसपास, वो हम लोगों के पास पहुंच नहीं सका है। लाइट के लिए हम एलईडी बल्ब बेचते हैं, जिसका बाज़ार में कीमत 110 रुपया है, उसे हम 70 रुपया में बेचते हैं। भागलपुर मिर्जा चौकी NH-80 आमापुर के समीप गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को टक्कर मार दिया। घटना में महिला की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक महिला की पहचान रजौन निवासी मनोज मंडल की 28 वर्षीय पत्नी पुतुल देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने पति और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से अपने मायके घोघा गई थी, जहां से वह अपने भाई के साथ सामान की खरीदारी करने कहलगांव बाजार जा रही थी। तभी आमापुर की ओर से आ रही बेलगाम तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया, जिसमें महिला असंतुलित होकर ट्रक के चक्के के नीचे दब गई। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क को जाम कर दिया।
वहीं मामले की सूचना मिलते ही घोगा थाना अध्यक्ष शंभू पासवान मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और कई स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा, लेकिन भागलपुर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने पेशे के साथ सालों भर पर्यावरण को संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में से एक हैं भागलपुर के प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कामरान खान। बिकनपुर इस्लाम नगर में निदान कुटीर को डॉक्टर कामरान ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया है। बांस और विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से सुसज्जित डॉक्टर कामरान का क्लिनिक मरीजों के साथ भागलपुर के लोगों के लिए एक खूबसूरत एवं सेल्फी स्पॉट बनता जा रहा है। वहीं डॉक्टर कामरान खान ने कहा कि लोग प्रकृति के साथ जीना सीखें, इसी उद्देश्य से उन्होंने निदान कुटीर का निर्माण किया है। मुझे लगा कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जाए, इसको रहने दिया जाए, तो हमने बम्बू का इस तरह का सोचा कि बनाया जाए जिसमें कि प्लेटफॉर्म पे एक हो, और इससे ये होगा कि जो लोकल लोग हैं और लोकल जो चीज है वो कंज्यूम होगी, और कंक्रीट जो ऑलरेडी इतना यूज हो रहा है और उसकी कम से कम यूज होगी, और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में क्लिनिक बनेगा। तो सबसे पहले जब हमने 2008 में बनाया तो एक ऐसा झोपड़ी बनाया जो एक प्लेटफॉर्म पे था, उस पर सारी दीवारें बंबू की थी, पल्दों ने सेफ करने के लिए उसको अंदर से प्लाई दिया था, लेकिन वो काफी आकर्षक रहा। और पेशेंट को यहाँ पे आके फील नहीं होता कि मैं क्लिनिक में हूँ या नर्सिंग होम में हूँ, वो एंजॉय करते हैं इस चीज को, फोटोग्राफी करते हैं, सेल्फी लेते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई का एकमात्र माध्यम ऑनलाइन ही है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षक छात्र छात्राओं को घर बैठे शिक्षा दे रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा को लेकर मुंगेर विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर साहिद रजा जमाल ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है और इसने कई पुरानी मान्यताओं को समाप्त कर दिया है। डॉक्टर शाहिद ने कहा कि ई शिक्षा वर्तमान समय की मांग है। ई लर्निंग के, ई क्लासेस के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए बगैर हम नहीं रابطہ कायम कर सकते हैं, और यही जो दो ढाई तीन महीने के का जो अंतराल है आप देखेंगे, इस कालखंड में हमने ई लर्निंग के माध्यम से लड़कों को शिक्षा और दीक्षा का कार्यक्रम किया है, और हमारे विश्वविद्यालय ने भी इस पे बड़ी खुशी की बात है कि जो बिहार के तीन विश्वविद्यालयों में मुंगेर विश्वविद्यालय का नाम अग्रणी रहा है। लेकिन कुछ चीजें ये है कि अभी भी हमारा जो भारतवर्ष है, जो बिहार है, बहुत पिछड़ा है, कृषक समाज है, देहातों में बसता है, वहां उनको वो उपकरण नहीं है, वो डिवाइसेस नहीं है, वो गैजेट्स नहीं है कि जो बच्चे जुड़ पाए आसानी से। बांका अमरपुर बस स्टैंड के समीप बेखौफ लुटेरों ने गुरुवार को कार का शीशा तोड़कर कार में रखा बैग लेकर फरार हो गया। मामले को लेकर कार के मालिक चंद्रकांत कुमार ने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ बांका से अमरपुर अपनी बहन से मिलने गया था, जहां चंद्रकांत ने अमरपुर बस स्टैंड पर कार खड़ी कर अपने बहन के घर चला गया। कुछ देर बाद वापिस आने पर उसने पाया कि कार का शीशा टूटा हुआ है और कार में रखा बैग गायब है। वहीं चोरी हुए बैग की जानकारी देते हुए पीड़ित की माँ भामा देवी ने बताया कि बैग में 5,000 रुपये कैश, पेंशन बुक, पासबुक एवं बौसी जिला परिषद के द्वारा आवंटित कागजात थी। पीड़ित परिवार ने अमरपुर थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि लुटेरों की पहचान की जा रही है, पुलिस जल्द ही अपराधियों तक पहुंच जाएगी। शीशा तोड़ के और बैग निकाल के चला गया। कहां पर लगाए हुए थे गाड़ी? शंकर भगत के मकान में। कहां? अमरपुर। हाँ, अमरपुर में। कहां से आ रहे थे? बांका से आ रहे थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दरोगा आशीष सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी दिनेश मुनि पुलिस इनकाउंटर में हुआ ढेर, 2 वर्षों से एसटीएफ को थी तलाश। नवगछिया एसपी निधि रानी ने कहा सब इंस्पेक्टर की हत्या का बदला हुआ पूरा, जवाबी कार्रवाई में मारा गया कुख्यात। दहेज में बाइक नहीं मिलने से नाराज पति ने पत्नी की चाकू गोद कर की हत्या, आरोपी पति फरार। कड़ी सुरक्षा के बीच खुटाह पंचायत में मुखिया का चुनाव हुआ संपन्न, शिवरंजन कुमार बने नए मुखिया। और बांका में बिजली आपूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।